वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। योगी जी से कह के निकला हूं सदन से कि आपको वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी जी घबराओ नहीं। नमस्कार, मैं बिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराता हुआ देखना चाहती हैं, जिसके चलते हर तरफ चुनावी आंच अब आग की लपटों में तब्दील हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि चुनाव में जीत की दावेदारी ठोकने वाले प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर हमला करने में जुटे हुए हैं। चुनाव एक ऐसा दौर है जहां पर कुछ पता नहीं होता कि कब आपके अपने आपके दुश्मन बन जाए और आपके विपक्ष से जाकर हाथ मिला ले, या फिर कभी कभी तो खुद भी विपक्ष बन जाते हैं। इस बीच राजनीतिक गलियारों से एक ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने चुनाव से पहले चल रही सरगर्मी में आग में घी का काम किया है। बता दें कि कुछ वक्त पहले तक बीजेपी में रहकर बीजेपी के योगी मोदी के गुणगान करने वाले ओम प्रकाश राजभर जब से पार्टी से अलग हुए हैं और खुद की पार्टी बनाई है, तब से उनका रंग तो ऐसे बदला है मानो कोई गिरगिट हो, और अब वो उन्हीं योगी मोदी के खिलाफ बगावती जहर उगल रहे हैं। अब ये मामला नया मामला क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। इटावा जनपद के जसवंत नगर विधानसभा के ब्लॉक ताखा में सुहेल देव भारतीय संघ समाज पार्टी अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां इटावा पहुंचे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने योगी पर दिया विवादित बयान। कहा, योगी को वहां पहुंचाऊंगा जहां लोगों को भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये बातें राम अचल राजभर ने इटावा में आयोजित सुहेल देव समाज पार्टी का अधिकारी सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कही। आइए आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हम फिक्स हो गए, खाली गूगल पे जाके हमारा नाम बोल दे, 1000 वीडियो मिलेगा आपको। किसी भी मुद्दे पर आप जानकारी करना चाहो, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो अहंकार हुआ है कि 325 सीट भारतीय जनता पार्टी योगी जी से कह के निकला हूं सदन से कि आपको वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। योगी जी घबराओ नहीं, बहुत धोखा दिया हम लोगों को। अभी आपको पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2019 में कुंभ का स्नान मेला लगवाया, आप कई करोड़ का घोटाला कर लिया भाजपा। लालू यादव के ऊपर चारा घोटाला पर मोपेट पर पशु ढोने का था, अगर वो जेल जा सकते हैं तो मोदी जी ईमानदार हुआ तो काय की रिपोर्ट कर सुप्रीम कोर्ट से जांच करा दो, योगी तेरा जेल में होगा, जेल में। लूटपाट मचा दिए, 2 करोड़ का जमीन अयोध्या में 18 करोड़ में बेच देते हूं 5 मिनट में। ये जांच ना होई, खाली लौकत के बाद। सिर्फ यही नहीं, इन दिनों सुर्खियों में चल रहे मुख्तार अंसारी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुख्तार अंसारी ने बसपा ज्वाइन की थी तब मायावती ने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताया था। एक समय था जब बहुजन समाज पार्टी में मुख्तार अंसारी जी ने ज्वाइन किया तब मायावती जी ने ही कहा था कि ये गरीबों का मसीहा है। मायावती जी के ही शब्द मैं कह रहा हूँ। और दिल्ली की पार्लियामेंट में आधे से अधिक अपराधी हैं लोकसभा के अंदर, और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में देखिए आधे से अधिक अपराधी यहाँ भी हैं। चूंकि वो मुसलमान है इस नाते उसके ऊपर उंगली तो सब उठा दे रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने दामन में झांक के देखे, कांग्रेस अपने दामन में झांक के देखे, बसपा अपने दामन में झांक के देखे। पवन पांडे को तो टिकट देने की बात कही है मायावती जी ने, ये कौन से हरिश्चंद्र की औलाद हैं? पूर्वांचल में चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का, चाहे कांग्रेस का, जिसको चुनाव जीतना होता है वो जाके मुख्तार अंसारी के यहाँ माथा टेकता है, तब जाके वो चुनाव जीतता है। इस नाते वहाँ के गरीब कमजोर उसको मसीहा मानते हैं, उधर के नेता उसको मसीहा मानते हैं, और बड़े नेता कब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो उनका विषय है। तो सुना आपने किस तरह से ओम प्रकाश राजभर राजनीति चमकाने के लिए लगातार योगी सरकार सपा पार्टी बसपा पार्टी सब पर निशाना साध रहे हैं, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो लीजिए मुख्तार अंसारी के गुणगान ही शुरू कर दिए। खैर, ये राजनीति है जनाब, या कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।